इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर एक और बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। बिहार में नए सिरे से चर्चा होगी, ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस को 3 सीट देने पर बात बनी है। महाराष्ट्र में 38 सीटों पर बात बनी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की 10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन बिहार में नए सिरे से प्रकाश क्या बात होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी अब आप देखिए तो लालू यादव के साथ सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश कर रही है। दो बातें हैं, एक तरफ नीतीश कुमार के निकल जाने से जो उनके दावेदारी की जो सीटें थी, अब उस पर बंटवारा की बात होगी। अब कहीं से भी अब ऐसा नहीं दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी दबाव में है। एक तरफ तो जो लालू यादव की पूरा परिवार है वो ईडी के घेरे में है, लपेटे में है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से कोशिश होगी। और जो सीटों का बंटवारा है अब ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। दूसरी तरफ CPI-ML का भी दावा था कि उसे कम से कम 5 सीटें मिलनी चाहिए, और फिर CPI का भी दावा था कि कम से कम 3 सीटें मिलनी चाहिए। तो 40 में से कम 10 से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, अगर ठीक तरीके से इन लोगों के आपस में बार्गेनिंग हुई तो। नहीं तो कम से कम 9 से 10 सीटें तो उन्हें अवश्य मिल जाएगा। तो ऐसे में लालू यादव 25 से 26 सीट कम से कम वो लड़ सकते हैं आराम से, 30 सीट तक भी वो जा सकते हैं अगर वो लेफ्ट पार्टीज को और CPI को मनाने में कामयाब रहे तो। अब सीटों के बंटवारे में है वो अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ ये देखना है नंबर ऑफ सीट्स नहीं, बल्कि कौन किस सीट पर किसकी अच्छी और दावेदारी है, सवाल कहाँ सवाल जीत पक्की सवाल हो सकती है, प्रकाश, या जीतने वाले हैं। आप बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, जरा ये बताइए। ठीक है, सीटें तो अब सहयोगियों को ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि एक पार्टनर अब है नहीं, लेकिन जो जीतने का फॉर्मूला है क्या अब वो उतना मजबूत रह पाएगा नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में? मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं, वहां पर जो अब विपक्ष में लोग हैं, क्योंकि सामाजिक समीकरण के लिहाज से, जातीय समीकरण के लिहाज से नीतीश का जाना झटका तो है ही। और मैंने बॉटल छोड़ा था, ये बात तो स्पष्ट है, और मेरी कई ऐसे नेताओं से बातचीत हुई है जिस नेताओं ने ये कहा था कि जब नीतीश साथ थे तो वो लड़ना चाहते थे और इस इलाके में घूमने भी लगे थे अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार झटका देकर अलग हो गए तो दोबारा लोग सोचने लगे। तो अब वो उम्मीदवार जिन्हें ये लगता था कि सीट पक्की है उनकी, वो जीत सकते हैं जातीय समीकरण के हिसाब से, अब वो दोबारा भी सोचने लगे। तो ऐसे उम्मीदवार की तलाश की जा रही है जिसके अपनी जाति का भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो या प्रभाव हो या पकड़ हो, तभी उनको वो जगह दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रभाव वाली सीटें लेफ्ट की हैं तो वहाँ पर किसी और उम्मीदवार को उतार दिया जाए। तो उम्मीदवारों के चेहरे को लेकर के और उनकी इस इलाके पकड़, कुछ ऐसे भी विधायक भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो एक्स हो चुके हैं, एक्स MP है, वो तो लड़ना ही चाहते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया होगी उसमें देखना होगा। मुझे ये भी पता है कि लालू यादव ने कई ऐसे उम्मीदवारों को ओके कर दिया है कि आप जाइए और अपने सीट पर घूमिए, अपने लोकसभा क्षेत्र में आराम से घूमिए और आप निश्चिंत रहिए कि टिकट आप ही को मिलेगा, जिस सीट पर वो कन्फर्म है कि इस पर कहीं कोई और किसी की दावेदारी नहीं, तो उम्मीदवार को भी उन्होंने कह रखा है। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि BJP की तरफ से या JDU या LJP की तरफ से किसको जगह मिलती है, कौन उम्मीदवार होता है, तो उसी हिसाब से फिर गोटी सेट होगा। और इंडिया गठबंधन पर BJP ने एक बड़ा हमला भी किया है। देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, ये BJP ने कहा। एक विचारधारा भारत को लूटने में लगी है, इंडिया गठबंधन भारत को लूटने में लगा है, ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया है। तो देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। तो विचारधारा की लड़ाई BJP इसे बता रही है, भारत को लूटने में लगी हुई है इंडिया गठबंधन। और बिहार का जो घटनाक्रम है प्रकाश, उससे तो जाहिर तौर पर अब BJP बिल्कुल फ्रंट फुट पर है। जी बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अखिलेश, आप भी बिहार से आते हैं, आपने देखा होगा, चाहे आपका अपना इलाका हो या फिर बाकी बिहार का क्षेत्र हो, वहां पर जातीय समीकरण तो देखा ही जाता है और साथ ही ये देखा जाता है कि किसका दबदबा है किस इलाके में, खासतौर से समूह का। अब सिर्फ जाति की बात नहीं रह गई है, तो किस समूह का कहां पर सबसे ज़्यादा दबदबा है। ऐसे में ये जो अभी बिहार की सियासी लड़ाई शुरू हुई है, तेजस्वी यादव एक तरफ घिरे हुए हैं, उनके स्टार प्रचारक हैं। लालू यादव ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाएंगे, उनके परिवार के या उनकी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है वो तेजस्वी यादव है।
उन पर ईडी जो लगातार शिकंजा कसती जा रही है। कांग्रेस पार्टी से जो राहुल गांधी हैं अभी यात्रा पर निकले हुए हैं, तो उनका कोई उतना बड़ा प्रभाव नहीं है इस पूरे इलाके में, तो ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश जरूर हो रही है जी। लेकिन सबसे जो परेशानी का सबब है या कह लें कि चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने, वो ये है मुद्दों को लेकर के, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जाए, क्योंकि नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि जो भी महागठबंधन में हुआ है उनके समय में हुआ है, वो उसके मालिक हैं, क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, तो ऐसे में कौन सा ऐसा मुद्दा है ये प्रकाश लेकर जाए। 2005 से पहले वाला बिहार नीतीश कुमार फिर से याद दिलाने लगे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।